इन दिनों बदलते मौसम के मिजाज ने सियासत का भी मिजाज बदल दिया है। आसमान से अंगारे बरस रहे हैं तो सियासी मंच से जुबानी हमलों की बारिश हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की काशी में। दरअसल राहुल गांधी और अखिलेश यादव बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रोकने के लिए साझा रैली कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि इससे पहले नदारद रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से वादा किया कि युवाओं को कच्ची नहीं बल्कि पक्की नौकरी मिलेगी। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आरक्षण का दायरा और भी बढ़ेगा। साथ ही महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी जुबाने हमले हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे आखिरी दौर में अग्निवीर के साथ ही आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। मोदी की काशी पर दो लड़कों की नजर। अब समय आ गया हो सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ एक तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। अब तुहार काम हम करब फटाफट फटाफट फटाफट। मुद्दों पर बात, अग्निवीर पर सियासी बयानों की बरसात। अग्निवीर मुद्दे पर राजनीति की आग सातवें चरण में सातवें आसमान पर जाकर भड़की है। राहुल गांधी अग्निवीर योजना को रद्द करने की बात कह रहे हैं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं और बात महंगाई बेरोजगारी और कच्ची पक्की नौकरी की कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना का स्कीम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्कीम है, ये पीएम ऑफिस का स्कीम है और इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि ना केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं, चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। मोदी की काशी में सियासी एंट्री के साथ जिस तरह अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा है, जिस तरह देश के योद्धाओं को सियासत में लाने की कोशिश हो रही है, उस पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है और पलटवार किया है अखिलेश और राहुल गांधी के बयानों पर। लड़ सकती हूँ, नारा देना बहुत आसान था, लेकिन न कभी लड़ी न कभी लड़कियों के लिए खड़ी हुई। ये तो महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध और उनकी हत्या भी हुई, तभी प्रियंका गांधी नजर नहीं। नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, निकाह करने के लिए, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेत कर हत्या कर दी गई। उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं आई। लड़की हूं और लड़ नहीं सकती हूं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और ना ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की, राज्य की सरकार की है, क्या ये लड़की उनके लिए लड़ सकती है? राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। सेना पर राजनीति दोधारी तलवार है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह दो लड़कों की जोड़ी ने देवरिया से वाराणसी तक
अग्निवीर पर सियासत करने की कोशिश की, आरक्षण के मुद्दों पर वोट मांगने की जरूरत की। अब इस कोशिश का रिजल्ट 4 जून को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी की 13 और बिहार की 4 सीटों को साधने के लिए इन दिनों सीएम योगी मिशन पूर्वांचल पर है, जहां पर वो ताबड़तोड़ रैली और चुनाव प्रचार के जरिए मोदी सरकार के 10 साल बनाम विपक्ष के 70 साल का उदाहरण पेश कर रहे हैं। साथ ही फर्क बता रहे हैं कि तब की और अब की सरकार में, जिसमें सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर है। सीएम योगी ने कहा कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर और मोदी जी तो परम राम भक्त है। सीएम योगी ने कहा कि इस बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार मोदी जी ने खत्म किया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से राम विरोधी रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सीएम योगी ने मिशन पूर्वांचल पर और क्या क्या संदेश दिया है जनता को। यूपी और बिहार में योगी का धुआंधार प्रचार उस राजनीति का हिस्सा है, जिससे आखिरी चरण के रण में हिंदुत्व, राम मंदिर और सनातन का संदेश पहुंचाया जा सके। योगी की ताबड़तोड़ रैली इस लिहाज से भी खास है ताकि विपक्ष के प्रायोजित एजेंडे को सामने लाया जा सके। कुछ ऐसी ही तस्वीर सीएम योगी की जनसभा में दिखी, जब उन्होंने एक बार फिर राम के नाम विपक्ष के नकारात्मक सोच का पैगाम जनता के सामने रखा। जब मैं आया हूँ बिहार में, जहाँ कहीं भी मैं गया वो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और यहाँ की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी ठहरे परम राम भक्त, और आपका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की भगवान राम के 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करने के भगवान राम के वकील आपके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ही है। योगी जहां भी जाते हैं जय श्री राम के जयकारों से उनका अभिवादन होता है। योगी जो भी कहते हैं जनता टकटकी लगाकर एक एक शब्द जहन में उतार लेती है, और जनता उस विकास मॉडल पर भी मुहर लगाती है जो 7 साल में योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पटल पर अटल हो गया। सीएम योगी ने इन सबसे अलग उस मुद्दे को भी उठाया जो देश हित में सबसे जरूरी और अहम है, आतंकवाद और नक्सलवाद। सीएम योगी ने कहा आपके सही वोट से ही देश का विकास होगा, आपके वोट से ही दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, बीजेपी सरकार में आतंकवाद का समाधान मिला, बीजेपी सरकार में नक्सलवाद का समाधान निकला। यानी सीएम योगी ने साफ कर दिया जो पिछली सरकार में नहीं हुआ उसे 10 साल में पीएम मोदी ने करके दिखाया है। याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है। सीएम योगी अपने पूर्वांचल मिशन के जरिए न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार की 4 सीटों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, ताकि काशी के इर्द गिर्द की सीटों पर भी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। ऐसे में योगी का यूपी बिहार का दौरा विपक्ष के लिए परेशानी तो एनडीए के लिए रामबाण से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही अखिलेश यादव पर उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के हाथ से एक बड़ा वोट बैंक भी खिसक गया है। दरअसल पूर्वांचल की 4 सीटों पर भूमिहार मतदाताओं का दबदबा है। घोसी, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में भूमिहार मतदाताओं का असर माना जाता है। बलिया में भूमिहार वोटर्स की संख्या करीब 2 लाख के आसपास है, तो वहीं पर वाराणसी में भूमिहार वोटर्स की संख्या करीब 1.5 लाख है। ऐसे में भूमिहार समाज से आने वाले नारद राय ने बीजेपी से हाथ मिलाकर अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका दे दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा, इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। इस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहां खड़ा रहूंगा। सातवें चरण से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत। कद्दावर नेता नारद राय ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। अखिलेश यादव पर उपेक्षा का आरोप। सियासत में छल और बल का इस्तेमाल बगावत को जन्म देता है। बस इसी छले जाने से नाराज हो गए हैं समाजवादी सरकार में मंत्री रहे नारद राय, और अब वो खुलेआम समाजवादी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कहां नया ठिकाना है इस बात के भी संकेत दे चुके हैं। हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा, इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सातवें चरण से ठीक पहले ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि बलिया में सातवें चरण में ही वोट डाले जाने हैं और नारद राय की पहचान कद्दावर नेता की रही है। वो जनाधार वाले नेता कहे जाते हैं। सभी जाति के लोग आए, इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा। इन लोगों का जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहां खड़ा रहूंगा। और आइए अब आपको समझाते हैं क्या कर बगावत का ये बीज कहां से फूटा। नारद राय बलिया सीट से खुद की उम्मीदवारी तय मान रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनकी बजाय सनातन पांडे को टिकट दे दिया। लेकिन बात तब और आगे बढ़ गई जब 26 मई को बलिया में अखिलेश की सभा के दौरान नारद राय की उपेक्षा की। देखिए सब समय पर होता है, अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं उनको हराने का। उन्होंने कहा अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है, यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था। यही वजह रही कि नारद राय अपने हजारों समर्थकों के साथ अब पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके और बलिया से बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि 29 मई को बलिया में अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान नारद राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।